हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को लगातार अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। 28 जुलाई को रिलीज हुई करण जौहर निर्देशित इस फिल्म ने कथित तौर पर पहले शनिवार को टिकट खिड़की पर धूम मचा दी है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही 11 करोड़ की कमाई की है। अब दूसरे दिन इसकी कमाई में 5 करोड़ का उछाल आया है। शनिवार को आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ने 16 करोड़ रुपए की कमाई की है। सेकनिल के एक रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर द्वारा निर्देशित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़त बना रही है। अपने शुरुआती दिन में फिल्म ने 11 करोड़ रुपए की कमाई के बाद दूसरे दिन कमाई के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर लगभग 27 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इससे पहले ये खबर आई थी कि करण जौहर की फिल्म इस साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन सकती है। साल की सबसे बड़ी ओपनर की बात करें तो पहले नंबर पर शाहरुख खान की पठान का कब्जा है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 57 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत की थी। पठान के बाद आदि पुरुष ने 36 करोड़ के साथ ओपनिंग की। इसके अलावा सलमान खान स्टारर किसी का भाई किसी की जान 15.81 करोड़ और रणवीर कपूर श्रद्धा कपूर की तू झूठी मेहमाकार पहले दिन 15.73 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में हैं। फिल्म की कहानी पंजाबी फैमिली के लड़के रॉकी और बंगाली परिवार की पढ़ी लिखी लड़की रानी और इनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में इन दोनों कलाकारों के अलावा धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म के साथ करण जौहर 7 सालों बाद किसी फिल्म का डायरेक्शन किया है। क्या आपने इस फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।